नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 24 अगस्त 2018 की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीनियस के बारे में। जीनियस 5 साल के ब्रेक के बाद अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे, जिन्होंने 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। ये एक लव स्टोरी थी। फिल्म जीनियस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मिथुन चक्रवर्ती भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और मॉन्टी शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर किया है, जबकि मनोज मंतशीर कुमार और शबीर अहमद द्वारा लिखे गए गीत हैं। फिल्म का पहला गाना अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया था, जिसे 12 जुलाई 2018 को जारी किया गया था, जबकि एल्बम 9 अगस्त 2018 को टिप्स म्यूजिक द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे उत्कर्ष शर्मा, इशिता चौहान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, जाकिर हुसैन, मालती चाहार, राजीव कचूर, अभिमन्यु सिंह, के रैना, देव गिल, अमित गुप्ता, गौरव शिंदे, पारुल शर्मा। इसी दिन रिलीज हो रही है फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी। मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित ये एक कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आनंद एल राय और कृष्णा लुल्ला। ये 2016 की हैप्पी भाग जाएगी की अगली कड़ी है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और डायना पेंटी एक ही नाम के दो अलग अलग किरदार को निभाती नजर आएंगी। फिल्म का साउंडट्रैक सोहेल सेन द्वारा कंपोज किया गया है, जबकि सॉन्ग्स मुदस्सर अजीज और कमर जलालाबदी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का पहला गाना मेरा नाम चिन चिन चू 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज से लिया गया है, जिनकी गायक थी गीता दत्त और उसे कंपोज किया था ओपी नायर ने। इस गाने को रिक्रिएट किया गया है सोहेल सेन द्वारा और इसको आवाज दी है सोनाक्षी सिन्हा, जसे गिल और मुदस्सर अजीज ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।